गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट 5 डेज हमारा साउथ कोरिया के कैपिटल सोल सिटी में अमेजिंग था। मतलब हमने इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस किए, सिटी को एक्सप्लोर किया। बहुत ही अच्छा सिटी है, मतलब एक बार तो आपने यहाँ पर ज़रूर विजिट करना चाहिए। बट अब टाइम है साउथ कोरिया के मोस्ट सदर्न पार्ट को विजिट करने का, जो कि है बुसान। और ऐसे देखा जाए तो उसका डिस्टेंस यहाँ से 400 किलोमीटर्स। बट आज हम यहाँ के फास्टेस्ट, साउथ कोरिया के फास्टेस्ट ट्रेन में ट्रैवल करने वाले हैं, जिसका स्पीड 305 किलोमीटर पर आवर होता है। और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि हमने आज स्पेशल टिकट बाय किया है, तो पूरा जो डिटेल एक्सपीरियंस है वो हम आपको देना चाहते हैं। सो लेट्स गो गाइज। तो गाइस हम लोग का जो ट्रेन है वो है 12:57 का और हम लोग के पास ऑलमोस्ट 1 आवर है, तो हम लोग कुछ खा लेंगे अभी। बट हम लोग सुबह आए सबवे से, और सबवे से यहाँ तक आने के लिए सिर्फ 2 स्टॉप है, मतलब म्योंगडोंग से यहाँ पे आने के लिए। बट अगर आपके पास इतना सारा लगेज रहेगा ना, तो इजी जॉब नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एस्केलेटर इजीली अवेलेबल नहीं है हर जगह पे, और एलिवेटर्स भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा स्टेयर्स भी है। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सामान रहेगा तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सीधा टैक्सी लो, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा जाएगा, बट स्टेशन पे आ जाओ। वो स्टेशन का एंट्रेंस है, वहाँ पे आप सीधा टिकट बाय करके नीचे जा सकते हो, वो ज़्यादा इजी ऑप्शन है। और एक ऑप्शन है टिकट बाय करने का, जो कि है ऑनलाइन, और एक फ्लेक्सी पास करके चीज़ है, जो मैं आपको आगे जाके ट्रेन में बताऊँगा। तो गाइस ऐसा स्क्रीन भी लगा है जिधर टाइम, फिर टाइप ऑफ ट्रेन, जैसे हम लोग KTX ले रहे हैं वो स्टेशन, तो हम लोग बुसान जा रहे हैं, और भी जगह पे जाता है ये, और ये जो सारे ये है प्लेटफॉर्म नंबर। तो जब भी आप ट्रेन बुक करोगे तो आपको प्लेटफॉर्म पे 20 मिनट्स बिफोर बोर्डिंग रहना है। तो अभी है पूरा 1 घंटा हम लोग के पास, तो आधा घंटा खा के फिर हम लोग नीचे उतरेंगे। ये साइड से आप जब एग्जिट लोगे तो नीचे सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। और ये स्टेशन है एयरपोर्ट से कम नहीं, यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स है, जैसे ये एक शॉप है ड्यूटी फ्री, फिर उसके बाद फूड के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, बास्किन एंड रॉबिन्स है, कॉफ़ी के लिए है मैकडॉनल्ड्स है, प्रॉपर अगर आपको लंच करना है तो वो है, ग्रोसरी स्टोर है, इनकेस आपको स्नैक्स वगैरह पिकअप करना है तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती है। ATM स्टोर है, मैकडॉनल्ड्स जो है ना उसके बिल्कुल पास में स्टोरेज फैसिलिटी है, इनकेस अगर आपका जल्दी चेकआउट है और आपका ट्रेन लेट टाइम का है, या फिर आपको लेट एयरपोर्ट की तरफ जाना है, तो यहाँ पे अपना बैग स्टोर कर सकते हो, ये स्टोरेज फैसिलिटी है। सो अभी फ़िलहाल हमने ना ट्रेन में खाने के लिए, मतलब काइंड ऑफ अपना हम लोग का लंच ब्रेकफास्ट दोनों एक ही है, तो हमने मैकडॉनल्ड से बाय किया क्योंकि टेस्ट पता है उसका कैसा है, काफ़ी अच्छा टेस्ट है एक्चुअली यहाँ के बर्गर्स का। जो कॉस्टिंग है वो भी ना कंपैरेटिवली थोड़ा बजट में है, अराउंड 11,000 वॉन हुआ, जो कि समवेयर अराउंड 700-750 के आसपास होता है हम लोग दोनों का मिला के मील एक। यहाँ पे सारा बेकरी आइटम्स रखा है उन्होंने। सो पेरिस क्रोसा से मैंने कॉफ़ी लिया और ये केक लिया है, चीज़ केक बहुत अच्छा लग रहा है, वो अपन ट्रेन में खाएंगे। डिले 0 मिनट है, कोई भी ट्रेन में डिले नहीं है। KTX को बोर्ड करना और KTX से ट्रायल करना बहुत ज़्यादा सिंपल है, स्पेशली जो सोल स्टेशन पे नेविगेशन है KTX का, वो बहुत उन्होंने इजी और यूज़र फ्रेंडली किया है। डिफरेंट लोकेशंस पे साइन बोर्ड्स लगाए हैं, फिर उसके बाद स्क्रीन्स है जहाँ पे आप ट्रैक नंबर वो लोग अनाउंस करते हैं, तो जैसे हमारा ट्रैक नंबर 8 पे आने वाला था तो बहुत ईजिली हमने फाइंड आउट किया। एलिवेटर्स रखे उन्होंने, लिफ्ट्स है, सिर्फ कोरियन लैंग्वेज में नहीं इंग्लिश लैंग्वेज में भी है, तो आप ईजिली ट्रैवल कर सकते हो। और अभी फ़िलहाल हमने ट्रेन बोर्ड कर लिया है, ये पैसेज वे है उसका, अब मैं अंदर जा रही हूँ, यहाँ पे हमारा सीट है। और हम लोग का 13:57 का ही था, निकला है प्रॉपर टाइम पे। लाइक
यहाँ पे सब लोग बहुत ही शांत है. एक्चुअली पिन ड्रॉप साइलेंस है, इसलिए मैं बहुत शांति से बात कर रही हूँ. आई होप आप सभी को ऑडियो मेरा क्लियरली सुनाई दे रहा है. क्विकली मैं आपको हमारी सीट दिखा देती हूँ. सो ये है हमारे बहुत ही कंफर्टेबल यूज साइज़ के सीट्स. आई थिंक एक्स्ट्रा लार्ज है ये, मेरे जैसे दो आराम से फिट हो सकते हैं. यहाँ पे हैंड रेस्ट है, पूरा जो कुशनिंग है वो वेलवेट का है. बैक सपोर्ट और हेड सपोर्ट इनक्रेडिबल है, बहुत ही कंफर्टेबल है. विंडो एकदम यूथ साइज़ का है. उसी के नीचे वहाँ पे उन्होंने एसी वेंट दिया है, तो मैं उसे एडजस्ट कर सकती हूँ. बट फिलहाल यहाँ पे काफ़ी ठंडी है, तो ये परफेक्ट है अभी. फिर ऊपर की साइड पे यहाँ पे लाइट्स है दोनों भी सीट्स के लिए. फिर यहाँ पे ब्लाइंड भी दिया हुआ उन्होंने, इनकेस अगर बहुत धूप आता है तो वो ब्लाइंड शेड हम नीचे कर सकते हैं. फिर मेरे सामने के साइड पे ट्रे टेबल है, और कितना बड़ा साइज का है देखिए. यहाँ पे उन्होंने क्लैंप दिया हुआ है फोन रखने के लिए, या फिर अपना आईपैड भी रख सकते हो. उसी के साथ लेग रूम देखिए, कितना यूज स्पेस है यहाँ पर. ऑफ कोर्स अगर फर्स्ट क्लास है तो रिक्लाइनिंग चेयर होगा ही, तो यहाँ पे मैं रिक्लाइन कर सकती हूँ ये बटन को प्रेस करके. बट मेरे लिए ना अभी ये सीट अल्ट्रा कंफर्टेबल है. अभी जो करंट स्पीड है वो है 260 किलोमीटर पर आवर, फिर भी अभी तक टॉप स्पीड पे पहुंची नहीं है. दैट इज 300 समथिंग ना, 305. बट फिर भी 260 किलोमीटर पर आवर पे जा रही, बट इतना हिल नहीं रहा है ट्रेन, बहुत स्टेबल है. सो एज फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे जो एमिनिटीज़ है उसमें का एक है कि आपको फ्री में वाटर बॉटल मिल सकता है. यहाँ पे उन्होंने ये वेंडिंग मशीन रखा है पैसेज वे में. सो यहाँ पे एक बॉटल आप ले सकते हो, दो या फिर तीन. पानी के वेंडिंग मशीन के ठीक पास में न्यूज़पेपर्स है और बुक्स रीड करने के लिए है, बट ऑफकोर्स कोरियन लैंग्वेज में. स्नैक्स भी मिल रहा है, ये भी फर्स्ट क्लास के लिए, तो अपन दो लेके देखते हैं क्या क्या है. यस ये वॉशरूम है, यहाँ पर मिरर है, सिंक एरिया है, सोप डिस्पेंसर है, टिश्यू पेपर है, हैंड ड्राई करने के लिए ड्रायर है, कमोड, टॉयलेट सीट. अगेन यहाँ पे फिर से मिरर है, बैग रखने के लिए हुक है, और टिश्यू पेपर डालने के लिए ट्रैश कैन है. सो वह जो फ्री स्नैक्स है इसमें क्या क्या है मैं आपको क्विकली बता देती हूँ. कि ग्रानोला चोको चिप कुकी है, मेपल नट्स है, और ये टिश्यू पेपर है. बाय द वे ट्रेन में वाईफाई भी फ्री है और उसका स्पीड भी काफ़ी अच्छा है. सो एक्चुअली ना मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ नॉन स्टॉप है, बट यहाँ पे ऑलरेडी तीन स्टेशन आ चुके हैं और हमें बुसान पहुँचने के लिए वन मोर आ रहा है. तो गाइस हम लोग बुसान एकदम टाइम पे पहुंच गए. ट्रेन कभी भी यहाँ पे डिले नहीं होता ऐसा मैंने सुना था, वो सच है क्योंकि कोई भी देख भी लिया, क्योंकि कोई भी बोर्ड पे ऐसा ट्रेन डिलेड ऐसा दिखा नहीं. बाय द वे गाइस हम लोगों ने जो ट्रेन टिकट लिया है ये फर्स्ट क्लास का था, तो उसका कॉस्ट आया 5,000 रुपीज़. अगर आप इकोनॉमी क्लास में आओगे तो उसका कॉस्ट होगा 3,500. ये वन साइड का मैं बोल रहा हूँ.
अगर दोनों साइड का लोगे तो उसका डबल हो जाएगा, बट अगर आप दो से ज़्यादा लोग हो, मतलब दो लोग या फिर उससे ज़्यादा लोग हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कोरेल पास करके एक चीज़ है, आप वो बाय करो। वो आपको ऑनलाइन ही बाय करने को मिलेगा। उसमें कैसा होता है ना कि आप 10 दिन के रेंज में कभी भी दो बार ट्रैवल कर सकते हो, फ्लेक्सी पास बोलते हैं उसको। तो अगर आप यहाँ पे बुसान 2-3 दिन के लिए आ रहे हो, तो जाते टाइम पे भी आपको ट्रेन टिकट बुक करने की ज़रूरत नहीं, आप 10 दिन में कभी भी ट्रैवल कर सकते हो। उसका फ़ायदा ये है कि अगर आप दो लोगों से ज़्यादा बुक करते हो, फिर दो लोग से बुक करते हो, तो समझो मैंने ये टिकट इकोनॉमी क्लास वाला 1,21,000 में अगर बाय किया है, तो वो 1,11,000 में हो जाता है। तो ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़ बच जाता है, 10,000 वॉन बच जाता है उसमें, रुपीज़ नहीं, वॉन बच जाता है। तो वो फ्लेक्सी पास के लिए अप्लाई करो, वो आपको क्लुक पे मिलेगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला है, या फिर आप ये QR कोड स्कैन करके वहाँ से भी बुक कर सकते हो। हम लोग ने फाइनली चेक इन कर लिया है हमारे बुसान के होटल में, और हमने यहाँ पे होटल बुक किया है ह्युंडे एरिया के आसपास, जो कि सिटी सेंटर में आता है। यहाँ से बीच भी बहुत ज़्यादा पास में है, और हम सुबह निकले थे अराउंड 12 बजे, और हमें यहाँ पे पहुँचते पहुँचते 6 बज गए शाम के। सो ओवरऑल जर्नी हमारा बहुत अच्छा था, फर्स्ट टाइम हमने फास्ट बुलेट ट्रेन एक्सपीरियंस किया, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंस था। स्पीड हमने उसकी वो फील की, जो स्टेबिलिटी थी ट्रेन की वो सारी फील की, बहुत मज़ा आया। प्लस जो है पूरा जर्नी हमारा कंट्री साइड से हुआ, तो हमने साउथ कोरिया के छोटे छोटे जो विलेज थे वो भी देखे रास्ते में। सो ओवरऑल बहुत अच्छा था, टायरिंग भी नहीं था ज़्यादा। सो इस वीडियो को गाइज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा। इनकेस आपको कोई भी KTX जर्नी के बारे में डाउट रहेगा, तो कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हो। और बाकी के सारे डिटेल्स, मतलब KTX का ट्रेन का बुकिंग कैसे करना है, फिर ओवरऑल आपको कौन सी ट्रेन पकड़नी चाहिए, डायरेक्शन क्या है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो, तो हमने ट्रैवल गाइड में सारी चीज़ें डिटेल में कवर की है। उसमें ये भी इंक्लूड होता है कि KTX का आपको डिस्काउंट कैसे अवेल करना है, बुकिंग कैसे करनी है ऑनलाइन, इसकी ये सारी चीज़ें उसमें है। तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से। अगर ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे इस रूम का टूर, और साथ ही में हम ये जो सिटी सेंटर का एरिया है वो भी थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। बाय गाइज़।